22 मई से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित हो रही G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग से पहले आप सभी ने जम्मू कश्मीर से भारत के एलीट फोर्सेस की कई सारी वीडियोस, कई सारी फोटोज जरूर देखी होंगी, जिनमें इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस, भारत के एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट ब्लैक कैट्स यानी कि NSG और CRPF की कमांडो विंग। और अगर खास करके बात करें CRPF कमांडोज की, तो आप सभी ने तस्वीरों में देखा ही होगा कि CRPF कमांडोज बेहतरीन इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन तस्वीरों में CRPF कमांडोज ने जो नाइट विजन सिस्टम्स इस्तेमाल कर रखे हैं, तो वो भारत की टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा ही सप्लाई किए गए हैं। और सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात भारत के एलीट फोर्सेस को अधिकतर स्वदेशी इक्विपमेंट से ही लैस किया गया। और बाकी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारे एलीट फोर्सेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, तो उनको देखकर जो भारत के एडवर्सरीज हैं और खास करके वो जो नहीं चाहते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर में G20 इवेंट कराए, तो उन सभी को इन तस्वीरों से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।